हजारों झोपड़ियां जलकर राख होती है तब जाकर एक घर बनता है, आशिकों के मरने के बाद कफन तक नसीब नहीं होती है और हसीनाओं के मरने के बाद ताजमहल बनता है। जय हिंद दोस्तों, भरत सर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। शाहजहां को प्यार था कि हवस, अगर ताजमहल को बेचा जाए तो कितना पैसा मिलेगा, बिना सीमेंट का बना ये मस्जिद आखिर कैसे खड़ा है, सरकार आज तक ताजमहल के ऊपर कोई लाइट क्यों नहीं लगा सका, ताजमहल के ऊपर कोई जहाज क्यों नहीं गुजर सकती, आइए इन तथ्यों को प्रश्न के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। जब मुगल वंश की बागडोर शाहजहां के हाथ में था तो एक दिन आगरा के मीना बाजार के यात्रा पर गया था। पहली मुलाकात मुमताज से मीना बाजार में शाहजहां को होती है और पहली नजर में शाहजहां को मुमताज से प्यार हो जाता है, क्योंकि मुमताज देखने में हुस्न की परी लगती थी। वो मीना बाजार में सिंके की साड़ी बेचा करती थी। जब जब शाहजहां को मुमताज का दीदार करना होता था तो मीना बाजार का चक्कर मारा करता था। धीरे धीरे प्यार आगे बढ़ा और एक दिन इनका शादी मुमताज से हो जाती है। सन 17 जून 1631 ईस्वी की बात है, जब मुमताज अपनी 14वीं संतान को जन्म देने के दौरान वो लेवर पेन के कारण मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आगरा से 787 किलोमीटर दूरी एमपी में हॉस्पिटल जाने के क्रम में अधिक थकान और लेवर पेन अधिक होने के कारण इनकी मृत्यु होती है। तो उस दिन शाहजहां एक कसम खाता है कि मैं मुमताज बेगम के लिए एक ऐसे मस्जिद बनाऊंगा कि दुनिया में और कोई नहीं होगा। तब जाकर एक ताजमहल का निर्माण होता है जो आगरा के यमुना नदी के किनारे बसा है। दोस्तों, शाहजहां ने कुल 13 शादी की थी और मुमताज बेगम इनकी चौथी पत्नी थी। मुमताज बेगम की बहन जो थी वो भी देखने में वो हुस्न परी लगती थी और उससे भी ये शादी किया था। पता है दोस्तों, ये ताजमहल बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगा। ये ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूर लगे। अगर पैसे की बात कीजिएगा तो 8,000 से लेके 10,000 करोड़ तक पैसे खर्च हुआ। इनका जो स्टार्ट बनाने का कंट्रेक्शन 1632 में शुरू हुआ और 1648 में बनकर तैयार हुआ। ये 42 एकड़ में फैला हुआ ताजमहल है। आप सोचिए थोड़ा सा कि हमारी दुनिया में, संसार में सीमेंट का जो खोज हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ और इंग्लैंड का वैज्ञानिक जोसेफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब पहली बार जो सीमेंट खोजा गया था उस सीमेंट का नाम है पोर्टलैंड सीमेंट। तो आप बताइए हमारा ताजमहल बना कब, 1648 में, और सीमेंट का खोज हुआ 1824 में। इसलिए ये जो ताजमहल है सीमेंट से नहीं बना, ये किससे बना, एक लकड़ी से बना हुआ। जो ताजमहल का जो जड़े होती है, नींव होती है, ये आभुनस नामक एक लकड़ी से बना। और आभुनस नामक लकड़ी की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि इस लकड़ी को आप जितना नमी दीजिएगा वो उतना ही मजबूत होगा। तो यमुना नदी ताजमहल को सुंदरता ही प्रदान नहीं करती है बल्कि उनकी सुरक्षा भी करती है, क्योंकि आभुनस नामक मकड़ी को ये नमी देती है जिससे कारण ताजमहल सुरक्षित है और आज तक कोई खरोच नहीं आया। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो ताजमहल के ऊपर लाइट क्यों नहीं लगाई गई, इसका ये रीजन है कि अगर ताजमहल के ऊपर कोई लाइट लगा दिया जाए तो ताजमहल चमकता है। चमकने के दौरान कीड़े मकोड़े, जितने भी कीट पतंग है, सारा उड़ के ताजमहल के ऊपर आ जाता है, जिससे कि ताजमहल की सुंदरता खराब हो जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर सरकार ने कोशिश भी किया कि ताजमहल के आगे कोई लाइट लगा दिया जाए तो ताजमहल का जो मुमताज बेगम थी उसे कभी मंजूर नहीं कि हमारे प्यार की निशानी से कोई छेड़छाड़ करे, इसलिए ताजमहल के आगे कोई भी लाइट नहीं लगाया गया। दोस्तों, ताजमहल का कीमत 2 बिलियन करोड़ रुपया है। अभी वर्तमान में इसका टिकट के रकम के बारे में बताएं तो जहां पे 100 रुपया था अब 1350 के जगह 1450 रुपया हो गया। अब सोच सकते हैं ताजमहल की कीमत बढ़ती जा रही। तो ताजमहल के ऊपर कोई जहाज क्यों नहीं उड़ सकता है, तो भारत सरकार ने एक नियम पारित किया था ताजमहल की सुरक्षा के लिए कि 2006 में कि ताजमहल के 7.4 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर कोई भी जहाज ताजमहल के ऊपर से नहीं उड़ेगी, जिसके कारण आज तक ताजमहल के ऊपर कोई जहाज नहीं उड़ सकता। प्यार तो हमें भी करना था बट कुछ खास नहीं हुआ। ताजमहल तो हमें भी बनवाना था पर अफसोस इस बात का है कि लोन पास नहीं हुआ। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर वीडियो कीजिए, क्योंकि आपने हमें बहुत सारा प्रेम दिया। तो कुछ सब्सक्राइबर तो बढ़े हैं लेकिन मंजिल के करीब है, इसलिए थोड़ा सा हेल्प कीजिए जिससे हमारा मंजिल प्राप्त हो जाए। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद।